हेलो दोस्तों, मैं आपको समय समय पर यूपी बोर्ड से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं जो भी एग्जाम्स आने वाले रहते हैं। साथ ही साथ मैं आपको सारी इम्पोर्टेंट सूचनाएं भी देता हूं जो कि आपके रिजल्ट से संबंधित है। इससे जस्ट पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको स्कूल में आपकी ईमेल आईडी की आवश्यकता है, जिससे कि आप लोगों ने अपनी ईमेल आईडी को स्कूल में सेंड किया और आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया। रही बात अब रिजल्ट आने की, जो कि बच्चे बोर्ड एग्जाम दिए हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। उनका रिजल्ट कब तक आएगा मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बहुत जगह लिखा जा रहा है कि 5 जून तक आपका 1 बजे तक रिजल्ट आ जाएगा, इसका कोई भी अभी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। मैं आपको इन सारी चीज़ों को आज मैं करके यहाँ दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, यदि मैं देखता हूँ UPMSP की मेन वेबसाइट पर, यदि मैं UPMSP की मेन वेबसाइट पर देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसा कोई अपडेट नहीं है जिसमें यह दिखा रहा हो कि आपको 5 जून तक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 5 जून तक जो रिजल्ट दिखाया जा रहा है वो सिर्फ आपको एक अनुमान बताया जा रहा है। जैसा कि मैंने इससे पहले आपको वीडियो दिखाया था और उसमें मैंने बताया था कि आपका जो अभी ईमेल आईडी अपडेट हो रहा है, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का या फिर बोर्ड का यह मन है कि आपके शायद रिजल्ट में इस बार ईमेल आईडी का कुछ लिंक दे दे, ठीक है, या फिर आपकी ईमेल आईडी पर रिजल्ट का कुछ लिंक आ जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है इसका अभी तक कोई मतलब इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। मैं आपको सिर्फ एक अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ। जैसा कि जहाँ तक अपडेशन है मेरे पास, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि आपकी ईमेल आईडी को बोर्ड द्वारा मांगा गया। आशा करता हूँ आप लोग अपनी ईमेल आईडी को बोर्ड पर भेज चुके होंगे, स्कूल पर भेज चुके होंगे, जिससे कि आपका अपडेट किया जा सके और रिजल्ट आने में कोई बाधा न हो। तो रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बहुत पहले भी एक न्यूज़ आई थी जिसमें यह कहा गया था कि रिजल्ट आपका जून के सेकेंड मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सॉरी, जून के सेकेंड वीक में, दूसरे सप्ताह में। तो मैंने जैसा कि अपने थंबनेल में दिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है कि 5 जून या 12 जून, तो यदि आना होगा तो 5 जून तक आ जाएगा, वरना ज़्यादा लेट होगा तो मेरे हिसाब से 12 जून या मैक्सिमम होगा तो 15 जून तक जाएगा। उससे बाद लेट रिजल्ट नहीं होना चाहिए आपका, मतलब 5 से लेकर के 12 या 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें कोई भी संकोच नहीं है। हाँ, बशर्ते आप लोग अपनी ईमेल आईडी को जल्द से जल्द अपने स्कूल पर भेज करके अपना ईमेल आईडी को अपडेट करवा लें। ये काम जितना जल्दी होगा रिजल्ट में उतनी ही तेजी होगी। तो दोस्तों, आप यहाँ जैसे दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर ऐसा कोई भी आपका, आप लोग जब UPMSP की मेन वेबसाइट देखोगे, ओपन करोगे, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी अपडेट नहीं लिखा हुआ है जिसमें कि ये बताया जा सके कि आपका रिजल्ट कब तक आया हुआ है। यहाँ पर आपका सिर्फ यही लिखा हुआ है कि हाई स्कूल अपने कृपया अपने विद्यालय के हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा वर्ष 2022 के परीक्षार्थियों की ईमेल आईडी एवं उनके मोबाइल नंबर अपलोड करने हैं तो यहाँ से लॉगिन करें। ये विद्यालय द्वारा ही होगा, ये आप लोग नहीं कर सकते इसको, ये सिर्फ विद्यालय की अपनी ईमेल आईडी और लॉगिन आईडी और पासवर्ड होती है जिसके द्वारा वे लोग अपने स्कूल के सारे बच्चों का ईमेल आईडी अपलोड करते हैं। यदि मैं नीचे आता हूँ, नीचे देखता हूँ कि नीचे क्या सबसे लेटेस्ट अपडेट है, तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे सबसे जो लेटेस्ट अपडेट वो 21/5/2022 को है। उसके बाद अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है रिजल्ट को लेकर के, मेन वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी जो अनुमान है उस अनुमान में सिर्फ यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 5 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा 1 बजे तक। हमने भी देखा है तो सोचा है कि थोड़ा हम भी आपको अपडेट दे दें। तो 5 जून को तो बहुत कम संभावना है, लेकिन हाँ, 5 जून के बाद सेकेंड वीक में, जून के सेकेंड वीक में जहाँ तक संभावनाएँ हैं कि आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिसका बच्चों का बेसब्री से इंतजार है। और हाँ, बच्चे इसी कारण से अपना 11th में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो यदि आपने पेपर अच्छा दिया है, आपको पता है कि मतलब रिजल्ट आपका अच्छा होगा, तो आप लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेकर के पढ़ाई चालू कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपना रिजल्ट के देखते वक्त आप लोग अपनी पढ़ाई को रोके हुए हैं, ठीक है, तो अपना रिजल्ट देख लें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं अभी तक अपलोड हुआ है, देख रहे हैं जैसा कि सबसे पहला अपडेट लिखा हुआ ऊपर, माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रत्येक राज्य की अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालयों का वेब पेज तैयार कराए जाने हेतु, प्रत्येक विद्यालय का फोटोग्राफ तथा विद्यालय की महत्वपूर्ण उपलब्धियां अपलोड कराए जाने हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट क्रियाशील कर दी गई है। मतलब कि अभी सिर्फ स्कूल के लिए सारे कुछ इन्फॉर्मेशन है, बच्चों के लिए अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या नया अपडेट किया गया है वेबसाइट पर, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा
वीडियो को जूम करके मिलेगा। यहाँ पर परीक्षा फल का जो लिंक है आपका देख सकते हो, मैंने जैसा कि लिखा हुआ है थंबनेल पर भी लिखा हुआ है कि डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप अपने परीक्षा का जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो, जो परीक्षा फल यहाँ लिखा हुआ है। परीक्षा फल पर जब आप क्लिक करोगे तो परीक्षा फल पर क्लिक करोगे तो एक आपका नया वेब पेज खुल जा रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाई स्कूल कक्षा 10 मार्क्स इम्प्रूवमेंट का परीक्षा फल। इम्प्रूवमेंट वाला जो लोग बच्चे पेपर दिए वहाँ से देख सकते हैं। जब आपका रिजल्ट आएगा 2022 का तो उसका भी यहीं पर कुछ दिखा देगा आपका इस तरीके से, तो आप लोग यहाँ से अपना रिजल्ट देख सकते हो। वरना यदि आप लोग चाहते हो कि आपका रिजल्ट मैं देख करके आपको ऑनलाइन लाइव बता दूँ, मैं उस दिन लाइव रहूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भेजते रहिएगा, मैं आपका रिजल्ट देख करके दिखा दिया करूँगा। बाकी आप लोग का यही था, मेन वेबसाइट पर देख लीजिए कि जो रिजल्ट का लिंक है डायरेक्ट आपको यहीं से दिख जाएगा, ज़्यादा कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं। यदि ज़्यादा भी सर्च भी करना चाहते हो आप तो sarkarresult.com पे जा करके वहाँ से देख सकते हैं। बाकी यदि कोई परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, मैं उसको आपको समय समय पर अपडेट देता रहूँगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है आप लोग को अच्छा लगा होगा। यहाँ पर देखिए यह जो आपको दिख रहा है राइट लेफ्ट साइड में, यहाँ पर कुछ नया अपडेट किया गया है वेबसाइट में। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिख रहा है, प्रश्न बैंक, मॉडल पेपर, शैक्षणिक पंचांग पूरे साल भर में क्या होने वाला है, इसका भी लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो नीचे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 लिंक है, यहाँ से आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, रिजल्ट आएगा तो कहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ परीक्षा फल, परीक्षा फल पर जा करके अपना रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। ये रहा आपका, और यहाँ पर कोई भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि आपको 5 जून का रिजल्ट आ जाएगा 1 बजे तक, सिर्फ आपका एक अनुमान ही है। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।